हेलो फैम, आज फिर हम आपको मैपिंग के कंटेंट बनाना सिखाएंगे। उसके लिए कल हमने ग्रिड बनाना सीखा था इसी वीडियो में, और इस वीडियो में हम आपको 3D वॉल मैपिंग के कंटेंट कैसे तैयार करते हैं, PNG फाइल कैसे तैयार की जाती है उसके बारे में बताएंगे। उसके लिए फिर फोटोशॉप, सबसे पहले हम ग्रिड बनाएंगे। ग्रिड के लिए हमें सबसे पहले पैनल का साइज लेना पड़ता है। पैनल मतलब 96 और हाइट भी 96। ग्रेट। एंड इसके बाद फिर कंट्रोल जे, राइट क्लिक, ब्लेंडिंग ऑप्शन, स्टॉक का साइज 1 और कलर ब्लैक। इसके बाद एडिट, डिफाइन पैटर्न, ओके, देन इसको डॉट्स। अभी क्रिएट न्यू पे। तो आज हम सेम वही फिर हम सेंटर में 6 पैनल, 6 और 4 हाइट में, और विड्थ में हम 2-2 विड्थ, 8-8 पैनल का। तो टोटल हमारा विड्थ हो गया 6 और 4, 10 और 4 14, 14 × 96। तो हमारी टोटल विड्थ होगी 1 3 4 एंड हाइट 4 पैनल, तो 3 18 4। तो बैकग्राउंड पे फिर सेम कंट्रोल जे, न्यू लेयर, ब्लेंडिंग ऑप्शन और पैटर्न ओवरले, इसमें लास्ट वाला ओके। तो हमारा ये 6 पैनल 6 4 सेंटर में और साइड के डबल डबल का विंग से हमारा रेडी हो गया। तो हम इसे सेव करते हैं। कुछ भी PNG या JPEG कुछ भी कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया 1 4। सॉरी, इसे ओपन करते हैं। तो फोर का ये ओपन हो गया। अब इसमें कुछ PNG फाइल्स डालनी है, तो उसके लिए मैंने अलग से फोल्डर बनाया है जिसमें कुछ फाइल्स हैं, जिसे हमें ये फाइल हम चाहते हैं कि हम सेंटर में दें। तो ये फाइल सेंटर में आ गई है। चार पैनल छोड़ के हमने इसे सेंटर में सेट करना है, शिफ्ट दबा के। इसके लिए हमें इसे जूम करना पड़ेगा प्रॉपर के लिए, कि हमारा ये किसी और पे, विंग्स पे या किसी और पे ना जाए। तो हमने इसे प्रेस किया और इसको बिल्कुल सेंटर में मिला दिया। और इसी तरह हमने यहाँ भी ऐसा ही किया, शिफ्ट प्रेस किया और इसे सेंटर में मिला दिया, और नीचे प्रॉपर है और हाइट में गया थी, ठीक है। देन एंटर। तो ये हमारा सेंटर बन गया है। अभी हम एक दूसरा PNG फाइल देते हैं, कुछ भी आई थिंक, जैसे ये देते हैं, तो ये PNG नहीं है, यही लेते हैं। अभी हमें इसे साइड में सेट करना है,
हमें स्विफ्ट दबाकर इसको जो हमारा एक पैनल है 8 कैबिनेट का उसमें हमने इसे लगा देना है। हमारा ऊपर से भी माउंट होना चाहिए। इनकी प्लस किया तो ये हमारा ये साइड का विंग्स हो गया। हम ऐसे ही इसे कंट्रोल सी और कंट्रोल वी करके हमें इसे कॉपी करना है और साइड के विंग्स में ड्रॉप कर देना है। एंड अभी हमारे पास एक विंग्स और है, शिफ्ट प्रेस करके इसे बिल्कुल परफेक्ट ले आना है। इसे भी हम जूम करके थोड़ा सेट करेंगे। शिफ्ट प्रेस किया एंड ऊपर एंड ओके एंड डा एंड उसके बाद इसमें कंट्रोल सी और कंट्रोल वी प्रेस करके इसे साइड में सेट करते हैं और एंड में हमने जो नीचे बैकग्राउंड दिया है वो रिमूव कर दिया। तो हमारा ये 14 विड्थ और 4 पैनल हाइट में हमारा ये एलडी मेटल का पीएनजी फाइल तैयार हो गया। इसे हम पीएनजी खत करते हैं। ओके प्रेस करते हैं। तो इस तरह से हम लोग किसी भी कंटेंट को एस टाइम पीएनजी यूज कर सकते हैं, पीएनजी मैपिंग बना सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।